बंगाल पश्चिम त्रिपुरा के बोधजंग नगर में एक लापता महिला का सुराग नहीं मिलने पर एक बड़ा बवाल हुआ। महिला की बरामदगी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस दौरान बोतल और लोहे की रॉड भी पुलिस वालों पर फेंकी गई। 3 घंटे तक चले इस हिंसक प्रदर्शन में कई गाड़ियों, बाइकों और कार्यालयों में आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने तीर धनुष का भी इस्तेमाल किया। हिंसा में कुछ पुलिस वालों और पैरामिलिट्री के कुछ जवान भी घायल हुए हैं, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं इस तनाव के हालात को देखते हुए आईजी, एसपी और डीएम समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। दरअसल मामला एक आदिवासी महिला के लापता होने का। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में काम कर रहे अपने पति से मिलने गई महिला का कथित तौर पर कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। इसको लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने महिला की तलाश के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, साथ ही सौंपे गए सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है।